लेकिन जनाब हम पैकेजेस की बात करते हैं, पैकेजेस होते क्या हैं। और पैकेजेस की एक सिंपल सी एग्जांपल मैं ये देता होता हूँ कि पैकेजेस ऐसे कोड्स हैं जो ऑलरेडी लोगों ने लिखे हुए हैं, यानी कि आप ही के फील्ड के अंदर जो एडवांस लोग हैं जो उन्होंने कोड्स लिखे हुए हैं उनको पैकेजेस बोला जाता है। मैं एक मिसाल देता हूँ, आप अगर एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं आर में एज ए डेटा फ्रेम, आपको इंपोर्ट करने के लिए मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। अगर आप खुद से इंपोर्ट करना चाहें कि यहाँ पे मेरी फाइल पड़ी है उसको लो, उसमें से डेटा लो, डेटा की ये वाली रोज एंड ये वाली कॉलम्स लो, तो आपको मल्टीपल लाइंस लिखनी पड़ती हैं। लेकिन किसी ने, जो ओपन सोर्स कम्युनिटी है आर की, उन्होंने एक पैकेज का नाम जिसका नाम है रीड एक्सेल, एक्सेल की फाइल को रीड करने के लिए वो पैकेज आप इंस्टॉल करते हैं आर के अंदर। और आर का पैकेज वो क्या करता है, सिर्फ एक छोटा सा आर्गूमेंट लेके आपका डेटा पूरे का पूरा उठा के आर के अंदर ले आता है। इसी तरीके से और पैकेजेस हैं जिनमें ggplot2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ggplot2 क्या है, ये एक पैकेज का नाम है, ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स प्लॉट टू। ये क्या करता है, आपको हाई क्वालिटी कमाल के ग्राफ्स बनाने में हेल्प करता है। पैकेज क्या होता है, बंच ऑफ कोड जो ऑटोमेटिकली लिखा गया ताकि आपको कम लिखना पड़े, ताकि आपको कम कोडिंग करनी पड़े किसी प्लॉट को बनाने के लिए। आप सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड में प्लॉट बना लेंगे, दो लाइनों में या तीन लाइनों में। सो ये पैकेजेस जो हैं हमारे पास मौजूद होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये पैकेजेस जब अमेजोन या किसी भी और डिलीवरी का, दराज.com का पैकेज आपके पास आता है तो आपके घर में भेजा जाता है, ऐसे ही घर में आने से पहले वो किसी वेयर हाउस में स्टोर होता है, और उस वेयर हाउस में स्टोरेज करने के लिए आपको स्पेस चाहिए होती है, ठीक है। उस वेयर हाउस को अगर पैकेजेस की जुबान में देखा जाए, हम उसको बोलते हैं रेपोजिटरीज। क्या बोलते हैं, रेपोजिटरी, REPOSITORY, रेपोजिटरी। और कई किस्म की रेपोजिटरीज मौजूद हैं जहां से आप पैकेजेस ले सकते हैं, ठीक है। एक होते हैं डिफॉल्ट रेपोजिटरी जिसको हम क्रैन रेपोजिटरी बोलते हैं, ठीक है। कंप्रीहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क के अंदर क्रैन की रेपोजिटरी होती है, और इसी तरह बायोइनफॉर्मेटिक्स वालों के लिए डिफरेंट रेपोजिटरीज होती हैं, इसी तरह मशीन लर्निंग के लिए डिफरेंट होती हैं। कुछ पैकेजेस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं किसी रेपोजिटरी में, कोई किसी में, कोई किसी में। तो रेपोजिटरीज हमारे पास 6 से 7 किस्म की इनसाइड आर मौजूद होती हैं, वहाँ से आप पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि जनरल पैकेजेस कौन कौन से हैं, फिर हम एडवांस पैकेजेस की तरफ चलेंगे, और फिर हम देखेंगे रेपोजिटरी किस तरीके से मेंटेन की जाती हैं। चलिए मैं स्क्रीन आपके सामने शेयर करता हूँ, एंड देन वी विल सी पैकेजेस होते क्या हैं और पैकेजेस को यूज कैसे किया जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पे ये एक ऑलरेडी हमारे पास एक बेसिक आर का स्क्रिप्ट बना हुआ था। मैं क्या करता हूं, इसको यहां से क्लोज करता हूं और कंट्रोल शिफ्ट 1 का शॉर्टकट लगा के अब यहां पे एक नया मैं कोड लिखने की कोशिश करता हूं, नया स्क्रिप्ट लिखता हूं, और उसको मैं बोलता हूं पैकेजेस। क्योंकि हम बारहा इस पूरे लेक्चर्स, इस पूरी सीरीज़ के अंदर जो है वो चीज़ों को मेंटेन करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये था जी हमारे पास बेसिक्स इन आर, ये पहला हमारे पास था स्क्रिप्ट। मैं दूसरा यहाँ से जनरेट करता हूँ, या ये वाला जो चल रहा है इस पे सेव पे क्लिक करता हूँ, और यहीं पे मैं इनको कहता हूँ 02 पैकेजेस इन आर। ये मेरे पास सेव हो गया, ठीक है, पैकेजेस इन आर के नाम से। अगर आपके पास ना शो हो तो ये रिफ्रेश का बटन आप प्रेस करें तो आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे पास पैकेजेस इन आर के नाम से हो गया। पैकेजेस कहाँ पे होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं, आप अगर आर पे जाएं तो यहां पे ये पैकेजेस का एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये इस जगह पे, इस पे आप क्लिक करें। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं यहां पे क्लिक करके, और अगर आप चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट 6 दबाएंगे, 5 दबाएंगे, या कंट्रोल शिफ्ट सेवन दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट 7, जैसे मैंने ये दबाया, यहां पे आपके पास ये पैकेजेस पड़े हुए हैं। बेस पैकेज आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है जिसका नाम है 4.4.1 आपका आर, ठीक है, आर स्टूडियो में। फिर डेटा सेट्स का एक पैकेजेस है जिसके अंदर सारे के सारे डेटा सेट मौजूद होते हैं। फिर इसी तरीके से जीआर डिवाइसेस, कुछ डिफॉल्ट सेटिंग पे आपके पास पैकेजेस हैं, बेसिक स्टैट का, सम अदर्स, और जो यहाँ पे आपको शो हो रहे होते हैं ये सारे पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, ये जो शो हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अगर आपने नया इंस्टॉल करना है आप इंस्टॉल पे क्लिक करें, अब और कीजिएगा, आपके पास जो रेपोजिटरी है यहां पे जिसकी मैंने बात की थी वो है क्रैन की, जो डिफॉल्ट सेटिंग पे है, ठीक है। आप यहां पे ऐसे ही रहने दें इसे डिफॉल्ट,
और अगर आपने कॉन्फ़िगर करनी है रेपोजिटरीज तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इट विल शो यू हाउ यू कैन एक्चुअली कॉन्फ़िगर योर रेपोजिटरी। फॉर एग्जांपल सेट रेपोजिटरी की कमांड लगा के, तो ये एक की बजाय मल्टीपल रेपोजिटरीज यहाँ पे आर में आ जाएंगी। ठीक है, आर में मल्टीपल रेपोजिटरीज आ जाएंगी। इसको गलती से मैंने ओपन कर लिया, सो आर के अंदर मल्टीपल रेपोजिटरीज आ जाएंगे। बट फॉर नाउ वी विल यूज़ क्रैन। यहाँ पे आप पैकेज का नाम लिखेंगे और जहाँ पे इंस्टॉल होना है वो डिफॉल्ट सेटिंग पे रहने देना है आपने। ठीक है, मैं यहाँ पे पैकेज का नाम लिखता हूँ रीड XL, ये पैकेज का नाम है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, रीड XL, ये पैकेज क्या करता है, XL की फाइल को रीड करता है आर के लिए। अब अगर आप इसको चेक नहीं करते ना, तो रीड XL पैकेज जिन और पैकेजेस पे डिपेंड करता है वो पैकेजेस इंस्टॉल नहीं होंगे, अगर ये इस सिनेरियो में हुआ तो। जिसका मतलब ये है कि रीड XL सही तरीके से काम नहीं करेगा। फॉर दैट यू हैव टू क्लिक हियर, और आपकी इंस्टॉल डिपेंडेंसी यानी कि जिसमें आप काम कर रहे हैं वो पैकेज जिन पैकेजेस में मुनसर करता है वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे। अब मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ एंड यू विल सी अ चेंज। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग होनी स्टार्ट हो गई। अगर आप गौर करें ये नीचे, ये देखें, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक ये कोई चीज़ इंस्टॉल हो रही है। और जैसे ये मेरे पास इंस्टॉल होगी, इट ऑल्सो गेव मी सम वार्निंग्स, इट्स फाइन, देयर इज अ वार्निंग, नो इशू, वी विल सी दैट लेटर ऑन। आपका पैकेज आपके पास इंस्टॉल हो गया। अगर मैं दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट 7 दबाऊं तो ये विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपने ढूंढना है कि आपके पास रीड XL आ गया कि नहीं। मैनुअली जाके भी देख सकते हैं वैसे भी, तो अगर मैं मैनुअली देखूँ तो मेरे पास तो यहाँ पे कोई नहीं आया अभी तक। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ रीड, जैसे मैंने लिखा ये ऊपर आ गया मेरे पास रीड XL। ठीक है, ये पैकेज आ गया। अब आपके पास पैकेज आ चुका है, आपने बुला लिया है पैकेज, लेकिन वो सोया हुआ है, वो एक्टिव नहीं है काम करने के लिए, वो रेस्ट कर रहा है। सो मेक इट एक्टिव सो दैट यू कैन यूज, आपको यहां पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे आप यहां पे क्लिक करते हैं, आपने देखा यहां पे एक कमांड ऑटोमेटिकली रन हुई जिससे ये पैकेज एक्टिवेट हो गया। जब ये चेक मार्क आ जाए इसका मतलब है आपका पैकेज एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, ये था तरीका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करके इंस्टॉल करने का पैकेजेस को। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक और तरीका होता है जिसको हम यूज करते हैं मोस्टली प्रोग्रामर्स, वो कौन सा तरीका वो मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट 1 दबाता हूँ, दबाने के बाद यहां पे आप लिखते हैं इंस्टॉल डॉट और ये ऑटोमेटिकली आपको शो करवाना स्टार्ट कर देता है कि क्या इंस्टॉल करने। मैं इंस्टॉल पैकेजेस पे क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल्ड नहीं इंस्टॉल, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रीड XL। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली मेरा जो पैकेज है रीड XL उसे इंस्टॉल कर देगा। ये वाली कमांड जो हमने इंस्टॉल वैसे किया था ये यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ और ऑफ कोर्स क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, वो कहता है कि आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, इसको दोबारा से करने में क्या कर दो, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। सो ये मेरे पास रीस्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो गया। ठीक है, और ये अगर अपडेट होना हो अपडेट हो जाएगा। ये हो गया इंस्टॉल पैकेजेस। अब वो चेक मार्क वाली बात याद आपको याद होगी, उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाइब्रेरी, लाइब्रेरी लिखने के बाद रीड XL, सिंपल, और ये इन्वर्टेड कोमा के बगैर लिखने। इससे क्या होगा, आपका रीड XL पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा और ये यहां से एक्टिवेट हो जाएगा। इसको मैं लिख के रन करता हूँ, यू विल सी कि मेरे पास ये एक्टिवेट हो चुका है, रीड XL मेरे पास एक्टिवेट हो चुका है आफ्टर राइटिंग दिस। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये रीड XL करने से, अगर लाइब्रेरी करने से आ रहा है, इसकी कोई और कमांड भी होगी। एक और है जिसको हम रिक्वायर कहते हैं, रिक्वायर का भी सेम मकसद है कि ये भी इसके थ्रू भी पैकेज एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, रिक्वायर और रीड XL का सेम मकसद है, वो जो टिक मार्क हमने लगाया था ना कंट्रोल शिफ्ट 7 पे, ये वाला, ये इसका यही मकसद है। अगर आपको नहीं यकीन आता तो मैं भी आपको एक प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, यहाँ पर चेक कीजिएगा। मैं जैसे यहां से चेक मार्क हटाता हूं तो यहां पे डिटैच पैकेज आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने डिटैच करना है देन वी विल राइट डिटैच और रीड XL। डिटैच यहां पे लिख देते हैं पैकेज
read excel unload true. इससे क्या होगा, बेसिकली आपका पैकेज डिटैच हो जाएगा जो यहाँ पे हमने किया है. मैं जैसे इस पर चेक मार्क करता हूँ लाइब्रेरी हो गया, मैं जैसे अनचेक करता हूँ डिटैच हो गया. अब हम इसी को यहीं से लाइब्रेरी करते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया टिक मार्क. यहाँ से मैं डिटैच करता हूँ, यू विल सी ये टिक मार्क गायब हो गया. सेम लाइब्रेरी एंड डिटैच. अच्छा, डिटैच हम तब करते हैं क्योंकि अक्सर अकात दो पैकेजेस आपस में लड़ने लग जाते हैं कि ये काम तो मैंने करना था, तुम क्यों कर रहे हो. सो उस वजह से हम एक को डिटैच कर देते हैं. सो एट दैट पॉइंट यू विल डू दैट. अब अगला काम मैं आपको बताता हूँ सेट रेपोजिटरीज वाला. ये तो हो गया इंस्टॉल पैकेजेस. इंस्टॉल पैकेज ये हो गया किस तरीके से आपने इंस्टॉल करने हैं पैकेजेस इन आर. ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई ना. अब आपको सिर्फ पैकेज का नाम पता होगा तो आप इंस्टॉल कर लेंगे सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया. और कुछ इंपॉर्टेंट पैकेजेस हैं जिनके नाम मैं आपको यहां पे बता देता हूं, जिसमें है डीप्लायर. अब बल्कि मैं यहां पे लिख देता हूं टाइडीवर्स. ये टाइडी आर, ये दोनों ऐसे पैकेजेस हैं जो डेटा एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है. मैं यहां पर लिखता हूं टाइडी वर्स. टाइडीवर्स अगर आप इस पे जाएं तो ये एक पैकेज नहीं है. ये जितने भी पैकेज यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं यूजुअली ये हेक्सागोन की फॉर्म में आपको नजर आते हैं. इनका लोगो हमेशा हेक्सागोन में होता है, यानी कि छह कोनों वाली जो स्ट्रक्चर है उसमें. तो डीप्लायर भी है इसमें. डीप्लायर का मतलब ये है कि आप प्लायर्स की बेस पे सेटिंग कर रहे हैं डेटा की. प्लास नहीं होते उनको प्लायर्स बोला जाता है. प्लास जो पाकिस्तान में यूज होते हैं. ggplot2 है, फोरकास्ट है जो टाइम सीरीज के लिए होता है. रीड आर है यानी कि रीड करने के लिए कोई भी जो आपकी फाइल्स हैं उनको. स्ट्रिंग है पैकेज. पर है, फिर टाइडी आर है, फिर टिबल है. यानी कि ये एक पैकेज जिसको हम टाइडीवर्स बोलते हैं, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे यू विल हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑल दीज पैकेजेस टुगेदर. तो सेट ऑफ पैकेजेस हो जाएंगे. ठीक है, ये हो गया टाइडीवर्स. इसी के अंदर ही टाइडी आर मौजूद है. सो हमारे पास यहाँ पे जो पैकेज आए हैं टाइडीवर्स के अंदर वो सारे आ जाएंगे. सो इंस्टॉल पैकेजेस टाइडीवर्स. मैं यहाँ पे रख के इसको रन करता हूँ. यू विल सी कि ये मेरे पास ऑटोमेटिकली टाइडीवर्स इंस्टॉल होगा. इट विल टेक सम टाइम. और ये पैकेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी डेटा एनालिस्ट के लिए. क्यों? क्योंकि ये पैकेज जो है बेसिकली आपको सारे के सारे पैकेजेस देता है जो आप यूज़ करते हैं टू एनालाइज द डेटा, टू प्लॉट द डेटा, टू एक्चुअली क्लीन द डेटा, टू फॉर्मेट द डेटा, टू सेव द डेटा एंड टू डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स विद द डेटा. तो जब तक ये हो रहा है मैं आपको एक और पैकेज दिखाता हूँ. रेपोजिटरीज इन आर. यहां पे अगर गौर करें तो आपके पास पैकेजेस के अंदर अगर आप जाएं तो यहां पे आपके पास कई रेपोजिटरीज होती हैं. ठीक है, ग्लोबल क्रैन मिरर्स हैं, यानी कि आप जिस इलाके में मौजूद हैं उसके पास वाला आपके पास मिरर आ जाता है, जिससे आपकी इंस्टॉलेशन आसान हो जाती है. ये हमारे लिए कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में है ही कोई नहीं इसकी रेपोजिटरी. बाकी काफ़ी कंट्रीज में, पाकिस्तान में कोई नहीं है. सो हमारे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है. लेकिन आप कई और रेपोजिटरीज खुद से भी सेट कर सकते हैं अगर आपको पता हो कि कौन सी हैं. ये वही लोग इन चीज़ों से पंगा लें जिनको पता है वो क्या कर रहे हैं. ठीक है, और फिर आप पैकेजेस यहाँ पे रख सकते हैं, सेकेंडरी रेपोजिटरीज ऐड कर सकते हैं एंड देन यू कैन यूटिलाइज दोज रेपोजिटरीज. और इनको सेट करने का एक खास तरीका भी है. ये हमारे पास टाइडीवर्स इंस्टॉल हो चुका है. मैं यहाँ से इसे लाइब्रेरी कर लेता हूँ. जैसे मैंने इसे लाइब्रेरी किया टाइडीवर्स को, तो ये मेरे पास ये सारे पैकेज ऑटोमेटिकली लाइब्रेरी हो गए. यानी कि एक ही गो में हमने काफ़ी काम कर लिए. सही है, समझ आ गई बात की. अब मैं आपको बताता हूँ आपने रेपोजिटरीज कैसे सेट करनी है. ये तो कर लिया जी हमने टाइडीवर्स. अब मैं आपको बताता हूँ सेट रेपोजिटरीज. सेट रेपोजिटरीज आपने यहां पे सिंपली सेट लिखने, रेपोजिटरीज लिखने और इसको रन कर देना. रेपोजिटरीज ये जैसे मैंने इसको रन किया, आप देख रहे हैं कि हमारे पास कितनी किस्म की रेपोजिटरीज आ गई. अब जरा बड़ी तवज्जो के साथ ये बात सुनिएगा. जितने भी लोग बायोइनफॉर्मेटिक्स को यूज करते हैं ना एनालिसिस को, वो इन तीन रेपोजिटरीज को जरूर यूज करें. बायोक सॉफ्टवेयर, बायो सी एनोटेशन या बायोक एक्सपेरिमेंट्स, ये तीन उनके लिए. क्रैन की जो प्लस की है ये सभी के लिए. फिर आर फोर्ज नेटवर्क होता है या आर फोर्ज है या क्रैन एक्स्ट्रा है,
इसको भी आप रख सकते हैं. सो यूजुअली आपके पास ऑटोमेटिकली ये वाली एक्टिव होती है, बट यू कैन एक्टिवेट द अदर 7, 6 एज वेल. कैसे, गौर कीजिएगा. उन्होंने बोला इंटर वन और मोर नंबर सेपरेटेड बाय स्पेसेस एंड देन एंटर. मैं कहता हूँ 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी, 7 को भी एक्टिवेट कर दो, एंटर दबाता हूँ एंड नाउ वी विल सी कि यहाँ पे होता क्या. आई विल अगेन रन सेट रेपोजिटरीज, ये सारी की सारी ऐड हो गई हैं. ठीक है, समझ आई बात की. सो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं इंटर वन और मोर नंबर सेपरेटेड बाय स्पेसेस एंड देन एंटर. मैं यहाँ पे वन पे क्लिक करके एंटर करता हूँ एंड देन वी विल सी कि हमारे पास क्या है. सारी की सारी ऑटोमेटिकली पहले से मौजूद है. यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि रेपोजिटरीज कैसे ऐड करनी है. अब अगर इंस्टॉल पे आप जाएंगे ना, यहाँ पे आपको एक नहीं मल्टीपल मिलेंगे, राइट. इसका फायदा भी है लेकिन नुकसान तब होता है जब आपके पास एक पैकेज दोनों रेपोजिटरीज में मौजूद है, फिर वो लड़ने लग जाते हैं. ठीक है, सो अगर आपको जरूरत है तो फिर आप एक्टिवेट कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको एक्टिवेट ना कीजिएगा. ठीक है, ये तो हो गया सेट रेपोजिटरीज. अब यहां पे मैं लिखता हूं अनचेक रेपोजिटरीज. आप टूल्स में जाके, ग्लोबल ऑप्शंस में जाके, पैकेजेस में जाके यहां पे अनचेक रेपोजिटरीज कर सकते हैं. टूल्स, ग्लोबल ऑप्शंस, पैकेजेस, और यहां पे हमारे पास है डेवलपमेंट C++ नॉट हियर, इट्स नॉट कमिंग हियर. पैकेजेस अनचेक रेपोजिटरी, सेकेंडरी रेपोजिटरीज आर स्टूडियो CDN, दिस इज फाइन. नथिंग इज शोइंग हियर. मैं इसको दोबारा से चलाता हूँ देन मे बी इट विल कम अप. Save selected, quitting R. यहां पे दोबारा से जाते हैं, R Studio पे जाते हैं. Tools, global options, packages, it's not showing here. Manage packages, not like this. So, how to remove repositories in R. Let me try some functions. Actually, it should be remove repo. No. डिटैच रेपो, समथिंग लाइक दैट फंक्शन. खैर अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, आई विल शो यू लेटर ऑन. सो एक दफा आप सेट कर सकते हैं तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं. लेट मी सी, सेट रेपोजिटरीज, डिटैच, अनसेट, अनसेट रेपोजिटरीज. इसको मैं रन करता हूँ. 0 to cancel. Let's see. Yes, now it's working fine. Right. सही हो गया. आपने सिर्फ रीस्टार्ट करना है तो ये ऑटोमेटिकली जो है वहां से चला जाएगा. अगर आप उसको फर्दर सेव करना चाहेंगे, यू कैन डू इट. फॉर मी इट्स ईजी कि मैं इसी तरीके से रख लूँ. अच्छा, इसका एक और तरीका भी होता है. बहरहाल मैंने रीस्टार्ट किया है और इसको सेट रेपोजिटरीज पर रन करने के बाद 0 दबाया, देन इट वॉज वर्किंग फाइन. इसका एक और तरीका भी होता है. जब आपने कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल पैकेज From cran repo. तो आप बकायदा उस रेपोजिटरीज का नाम भी लिख सकते हैं. से फॉर एग्जाम्पल कॉमा लगा के यहां पर रेपो का नाम लिख सकते हैं या उसका लिंक दे सकते हैं. ठीक है, सो देन इट विल बी वर्किंग फाइन फॉर यू कि इस रेपोजिटरी से उठा के वो पैकेज जो है वो लेके आना है. राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट रेपोजिटरी इंस्टॉलेशन एज वेल. अच्छा जी, पैकेजेस की आपको समझ आ गई. अब अगर आप चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक रेपोजिटरी से पैकेज लेना तो आप वो भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये बायोक मैनेजर है और हर किस्म का पैकेज जो है इस तरीके से डिफरेंट वे में इंस्टॉल होगा. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट सिनेरियो हो जाता है, खासतौर पर जो लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स के नहीं है. आई एम नॉट टीचिंग हियर बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तो इस वजह से मैं सेट रेपोजिटरीज और पैकेज इंस्टॉलेशन को यहाँ पर प्रेफर करूंगा. अब आप इस तरीके से भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, और आप खुद से भी कर सकते हैं. एक और बात याद रखिएगा
कि जब भी आप पैकेजेस को इंस्टॉल करें, यहां से आप अपडेट पे भी क्लिक करते रहा करें कि जोन से पैकेज अपडेट होने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली होते जाएं, ठीक है, कोई नहीं अपडेट होने वाला तो इज फाइन। सेकेंडली, आपको हर दफा जिस पैकेज को आपने इंस्टॉल कर ली है उसको यूज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लेट मी शो यू, आपको हमेशा लाइब्रेरी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू स्टार्टेड समथिंग टू डू, आप यहां पे करेंगे लाइब्रेरी रीड एक्सेल, तो आप उसको स्टार्ट करेंगे लाइब्रेरी रीड एक्सेल को, फिर एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आप इसको लिखे बिना कोई भी काम कर सकते हैं। सो एवरी टाइम यू हैव टू डू समथिंग, तो आपको उस पैकेज को इंस्टॉल अगर किया हुआ है उसको लाइब्रेरी करना है या एक्टिवेट करना है। और इसी वजह से हमेशा जब भी आप कोड आर का देखेंगे स्टार्ट में उसके लाइब्रेरी लिखा होता है, फिर आगे काम चलता है। यहां तक क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूं कि कैसे हम कोई भी आर जो है या कोई और जो चीजें हैं उनके अंदर किस तरीके से कोई भी डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप गौर करें, हमारे पास यहां पे ऊपर अगर देखें इंपोर्ट डेटा सेट की एक टैब आ गई है, ठीक है। इस पे क्लिक करके आप टेक्स्ट से भी ले सकते हैं, एक्सेल से भी ले सकते हैं, एसपीएस का डेटा भी, सैस का भी, स्टेटा का भी, ये सारे डेटा सेट्स आप लेके आ सकते हैं। मैं एक्सेल पे क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद उसने बोला है प्रिपेयरिंग डेटा इंपोर्ट रिक्वायर एन अपडेटेड वर्जन ऑफ आरसीसीपी आरसीपी पैकेज। मैंने कहा ठीक है कर लो अपडेट, क्योंकि अक्सर अवकात जो चीजें अपडेट करनी पड़ती हैं आपको जब आप कोई इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं, सो यू गो फॉर इट। ये इस तरीके से आपके पास एक विंडो आ जाएगी, आप एक्सेल की फाइल को लोकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरी जो एक्सेल की फाइल है दैट इज समवेयर आई वुड से हियर, ये वाली, या मैं ऐसे करता हूं, पहला काम, इससे भी पहला काम होता है कि हम इस फाइल को कहीं पे सेव कर लें, बट लेट्स सी, मैं ये वाली फाइल को ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद इट विल प्रीव्यू द डेटा फॉर मी, इट विल टेक सम टाइम, ऑब्वियसली डेटा बड़ा होगा तो टाइम भी लगेगा और डेटा का नाम भी आपके सामने, एंड देन इट विल शो मी द डेटा। लेट्स सी, आ जा भाई, इतना टाइम लेना नहीं चाहिए इसे। मैं इसको ये वाला कोड पहले कॉपी करके देखता हूँ कि अगर ये काम कर रहा है तो दैट्स फाइन। लाइब्रेरी रीड एक्सेल, यहाँ पे इसने कोड भी दिया है मुझे कि कहाँ पे वो डेटा पड़ा हुआ है, मैंने उसको रन किया। अच्छा, ये वन ड्राइव से आ रहा था इस वजह से टाइम ज़्यादा लगा। सो यहाँ पे मैं इन दोनों फाइल को रन करूँगा और इट शुड शो मी द डेटा। ऑफकोर्स यहाँ पे वैलिड आउटपुट है, नहीं है। सो इसका तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। आप उस डेटा पे जाएंगे, कोई भी डेटा जो आपने लेना है, सो मैं यहाँ से उसको ओपन करता हूँ, उसी डेटा को, कोई भी एक डेटा हम उठा लेंगे यहाँ से। मेरे पास एक एग्जांपल डेटा भी है यहाँ पे, इफ आई कैन सी टाइटैनिक का, मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे बेसिक्स के अंदर डेटा के अंदर इसे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको रीनेम करता हूँ टाइटैनिक, और ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल है और ये डेटा कुछ इस तरीके से दिखता है। लेट मी सी इफ आई कैन शो यू, ये कुछ इस तरीके से डेटा है जो मेरे पास है, ठीक है। मैं इसको लोड करने की कोशिश करता हूँ बाहर से, बिकॉज इट वॉज नॉट वर्किंग वेल बिफोर हैंड। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन इम्पोर्ट डेटा सेट फ्रॉम एक्सेल, और क्योंकि हमारे पास वो डेटा जो है वो इसी डेटा के अंदर टाइटैनिक का पड़ा हुआ, मैं इसे ओपन करता हूँ। इज अ वैलिड एक्सेल फाइल, कांट एस्टैब्लिश दैट इनपुट इज आइदर एक्सएलएस और एक्सएलएसएक्स, देयर इज समथिंग रॉन्ग अगेन। मैं इस डेटा पे जाता हूँ, इसको ओपन करता हूँ एक्सेल में, लेट्स सी, सेव एज करते हैं यहाँ पे इसको। अच्छा, वो सी एस वी की फाइल थी, दैट्स माई बैड, हमें एक्सेल के अंदर फाइल चाहिए होती है, सी एस वी के अंदर नहीं। सो ये सी एस वी फाइल थी। मैं यहाँ पे दोबारा से उसको सर्च करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, एंड होपफुली इट विल प्रीव्यू द थिंग्स, अदरवाइज आई हैव टू रीस्टार्ट, क्योंकि मैंने आर सी पी पैकेज को अपलोड किया था। इट्स नॉट प्रीव्यूइंग, तो मेरे ख्याल से इसको रीस्टार्ट करना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। सो दैट हैपन्स वेन एवर यू आर लर्निंग आर या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
समटाइम्स जब पैकेजेस मसला करते हैं तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। ये वही चीज़ है जब टीवी में सिग्नल ना आ रहे हो, आप साइड पे दो दो हाथ से थप्पड़ लगा देते हैं टीवी को, या आवाज ना आ रही हो, ये वही सीन है। एंड आई एम श्योर इट विल वर्क दिस टाइम। हाँ जी भाई, आजा आजा आजा, शाबाश। अगर ये ना काम किया देन वी हैव टू डू समथिंग। स्टिल नॉट वर्किंग हियर। रीड एक्सेल लाइब्रेरी किया मैंने, इंपोर्ट पे किया, एक्सेल पे क्लिक किया, डेटा इतना टाइम नहीं लगाता ये प्रीव्यू में। सो यहां पे मैं लिखता हूं, ये वाला कोड मैं कॉपी कर लेता हूं। लेट्स ट्राई अनदर वे। लाइब्रेरी हमने कर लिया, यहां पे इसको हम कह देते हैं डीएफ। आई सी, एक्सेल प्रीव्यू डेटा टाइटैनिक, लेट्स रन दिस। एरर व्यू ऑब्जेक्ट डेटा सेट नॉट फाउंड। ओके DF, now it's working fine. I know. Look, ठीक है, वो उसके view के अंदर थोड़ा सा मसला आ रहा है, but you can read any Excel file like this. अच्छा, करना क्या है अब आपने, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो भी मैंने काम किया, लाइब्रेरी एक्सेल आपने लिखना है, रीड एक्सेल, इसका मतलब है रीड एक्सेल मेरे पास पैकेज आ गया। देन मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर करना है जिसका नाम है DF, राइट? कमांड लिखी है रीड एक्सेल की, विच इज सेम एज अ फंक्शन जो भी हम यूज करते हैं। देन इन इन्वर्टेड कोमा एंड ब्रैकेट हमें वो पाथ देना है जहां पर डेटा सेट पड़ा है विद द फाइल, एग्जैक्ट फाइल नेम। तो डेटा सेट पड़ा हुआ है हमारा, हमारी फाइल के अंदर, डेटा के अंदर ये फाइल है, यानी कि हम जो डेटा को देख रहे हैं वो यहां से हमने बताना है कि डेटा के फोल्डर के अंदर जाओ और टाइटैनिक की फाइल पड़ी है। सो वी विल यूज समथिंग लाइक दिस। डेटा का फोल्डर है डेटा, स्लैश का मतलब है इसके अंदर चले जाओ, देन यू हैव टाइटैनिक डॉट एक्सएलएसएक्स फाइल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद। जब आप इसको रन करोगे, मैं यहां से इसको रिमूव करता हूं पहले सारे ऑब्जेक्ट्स को, देन यू विल सी इन अ बेटर वे। जब आप इसको रन करोगे देन आपके पास यहां पे डेटा फ्रेम आ गया जो आपने एक्सेल से इंपोर्ट किया, और इसी को आप व्यू करके या यहां पे क्लिक करके देख सकते हो कि ये डेटा फ्रेम कैसा है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, and this is how you can import an excel file using read excel package. yahan tak aapko samajh aa gayi hogi hopefully, aur agar aapko samajh aa gayi to practice kare kisi bhi ek ya do data sets ko import karne ki koshish kare read excel ke package ke sath now, aur phir dekhein ki kya ye kaam kar raha hai ki nahi kar raha. agar koi bhi aapko problem aati write down in the comment or chat, aur inshallah I will ever reply to that one. theek ho gaya.